मैं दिलशेख गोंडवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुंबई से सटे थाने में कलवा परिसर में सैयदी स्कूल में एक बड़ा हादसा सामने आया है। स्कूल में मिलने वाली खिचड़ी खाने से 40 बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गया है। सभी बच्चों को थाने नगर निगम के छत्रपति शिवाजी अस्पताल कलवा में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। ये सभी बच्चे कलवा सह्याद्री स्कूल के 5वीं-6वीं के छात्र हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल में जो बच्चों को दोपहर में सरकारी पोषाहार खिचड़ी दी जाती है, इसको खाने से 40 बच्चों में फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये सभी बच्चे सह्याद्री स्कूल के 5वीं-6वीं कक्षा के छात्र हैं। बताया जा रहा है कि बच्चों को दोपहर में स्कूल में मिलने वाली सरकारी पोषाहार के तहत खिचड़ी परोसी गई थी। खिचड़ी में दाल और चावल का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन खाने के बाद बच्चों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने लगी। बच्चों को शाम करीब 5 बजे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनकी देखरेख कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक सभी बच्चों की हालत स्थिर है और उन्हें जल्द ही ठीक होने जाने की उम्मीद है। अस्पताल के अधीक्षक अनिरुद्ध मालगांवकर ने बताया कि खाना खाने के बाद बच्चों ने बताया कि खाने से बदबू आ रही थी, जिससे ये आशंका हुई कि खाना खराब हो चुका था। फिलहाल सभी बच्चे डॉक्टरों की निगरानी में हैं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। खिचड़ी में किस तरह से फूड पॉइजनिंग हुई, इसकी भी जाँच शुरू कर दी गई है। क्या कहा अस्पताल के उप अधीक्षक अनिरुद्ध मालगांवकर ने, आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और दिए हुए बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे थाने मुंबई और महाराष्ट्र की न्यूज अपडेट्स आपको डेली बेसिस पर मिलती रहेगी। कितने बच्चे लोग, टोटल कितने बच्चे सरकार विद्या प्रसार सेकेंडरी स्कूल में? 40 बच्चे आए हैं अभी, और खाने में कुछ पॉइजनिंग हुआ, खाने में पॉइजनिंग हुआ तो सबको आईवी स्टार्ट कर दिया, सबको एडमिट करके इमीडिएट हम लोगों ने एम्बुलेंस भेज के ही लाए थे बच्चों को, इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। सारे बच्चे अभी स्टेबल, सारे लोग स्टेबल। सर, ये आंकड़े वाले बनने की आशंका है क्या, कितना चल? नहीं पता, शायद नहीं। उनकी प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नहीं लग रही है, तो फिर भी एज पर प्रोटोकॉल 24 घंटे एडमिट कर रहे हैं। बच्चे को उम्र कितना होगा? और 5th और 6th के बच्चे। सब सारे बच्चे लड़के हैं या लड़कियां? कुछ लड़के, कुछ लड़कियां, मिक्स है सर। आएगा ना